आज एक डेलीगेशन जो अर्जुन मेघवाल जी के नेतृत्व में अरुण सिंह जी के साथ, संजय मेहरुख जी और बाकी लोगों के साथ इस इलेक्शन कमीशन के पास इसलिए पहुंचा क्योंकि लगातार संविधान को तार तार करने का काम, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का काम और संवैधानिक मर्यादाओं को और मॉडल कोड ऑफ कोड के वायलेशन का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जो बयान उन्होंने दिए कि संविधान समाप्त हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन के चेताए जाने के बाद भी वो झूठे बयान, ऐसे बयान जिससे कि लोगों के बीच में वैमनस्य बढ़े, महाराष्ट्र बनाम गुजरात, महाराष्ट्र बनाम अन्य राज्यों वाले बयान, बांटने की राजनीति करने वाले बयान और सरासर संवैधानिक संस्थाओं पर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी पर सवाल उठाने वाले बयान देने का काम वो कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने उनको पहले भी चेताया है। अब हमने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि नोटिस से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बांटो और राज करो और वोट बैंक की राजनीति में लीन होकर आज राहुल गांधी लगातार संवैधानिक व्यवस्थाओं को और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार कुठाराघात कर रहे हैं। आज एक डेलीगेशन जो अर्जुन मेघवाल जी के नेतृत्व में अरुण सिंह जी के साथ, संजय मेहरुख जी और बाकी लोगों के साथ इस इलेक्शन कमीशन के पास इसलिए पहुंचा क्योंकि लगातार संविधान को तार तार करने का काम, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का काम और संवैधानिक मर्यादाओं को और मॉडल कोड ऑफ कोड के वायलेशन का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जो बयान उन्होंने दिए कि संविधान समाप्त हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन के चेताए जाने के बाद भी वो झूठे बयान, ऐसे बयान जिससे कि लोगों के बीच में वैमनस्य बढ़े, महाराष्ट्र बनाम गुजरात, महाराष्ट्र बनाम अन्य राज्यों वाले बयान, बांटने की राजनीति करने वाले बयान और सरासर संवैधानिक संस्थाओं पर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी पर सवाल उठाने वाले बयान देने का काम वो कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने उनको पहले भी चेताया है। अब हमने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि नोटिस से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बांटो और राज करो और वोट बैंक की राजनीति में लीन होकर आज राहुल गांधी लगातार संवैधानिक व्यवस्थाओं को और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार कुठाराघात कर रहे हैं।